Hey, what's up guys? This is Abdurrahman from SSG Mobile. So guys, recently मैंने वीडियो में बहुत सारी सेटिंग बनाई थी, तो उसमें मुझे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई आपका ये इंटरनेट स्पीड मीटर कैसे ऑन किया, Redmi Note 13 Pro Plus में इसमें बिल्ट नहीं है, आपने इसको कैसे ऑन कर लिया। तो भाई कोई मुश्किल नहीं है, आओ मैं आपको सिखाता हूँ। तो चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आप नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिए, कमेंट में लाजमी से बताना है कि भाई मैंने ओवरऑल चीज़ें कर ली और मुझे सेटिंग भी समझ आ गई है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं करेंगे, सिंपल सी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कोई थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पे आपने डाउनलोड नहीं करनी, सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद सिंपल सा ना आगे जो हमें देखने को मिलता था वो भाई शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड लिखा हुआ आ जाता था या शो इंटरनेट स्पीड हो जाता, पर ये इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आपने सिंपल सा क्या करना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार आपको देखने को मिल रहा होगा, आपने नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा शो कनेक्शन स्पीड का एक ऑप्शन, शो कनेक्शन यहाँ पे मैं ऑफ कर दूंगा, देखिए स्पीड जो है वो यहाँ पे गायब हो गई है, शो ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी तरह बैटरी के इंडिकेटर्स के साइन भी हैं, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर का साइन आप रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, हाइट नोच वगैरह है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, वो भी मजीद बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहरहाल बैटरी इंडिकेटर मुझे ज़्यादा ये वाला पसंद आता है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। तो आपने मुझे लाजमी से बताना है कि भाई आपको ये सेटिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा रखना है ख्याल, अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।